तो यार आज के दिन की फर्स्ट अपडेट तलहा यूनुस के बारे में है। तो किटशोट का जो पाकिस्तानी और यूएसए कोलैब आ रहा था उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो गाने का नेम है बूम, जिसमें पाकिस्तान से होने वाले हैं तलहा यूनुस, इंडिया से किटशोट और यूएसए से लेजरस। तो ये गाना इसी फ्राइडे को आउट हो जाएगा। लेजरस ने ऐसी स्टोरी लगाई थी, लेकिन किटशोट का स्टोरी में कहना है इसकी इतनी हाई बना दो कि मैं मजबूर हो जाऊं जल्दी ड्रॉप करने। तलहा अंजुम ने बाबर आजम की ट्वीट पे गोट वाला कमेंट किया था। तो अब बात कर लेते हैं उमैर के बारे में। तो उमैर का ट्वीट करते हुए कहना है 4/19, तो हो सकता है कि उमैर की जो एल्बम आ रही है हेयर देम टॉक वो नेक्स्ट ईयर 19 अप्रैल को देखने को मिले। लेकिन अब बात कर लेते हैं शारे अख्तर के बारे में। तो शारे अख्तर को क्यू एन ए में कहा जाता है आपका और डीमन का कोलैब कब? तो शारे अख्तर का कहना था ऑलवेज रेडी। देन उनको कहा जाता है कोलैब का कितना लेते हैं? तो शारे अख्तर का कहना है 1 मिलियन। अगली न्यूज़ जैस के बारे में है। तो जैस को लाइव सेशन में कहा जाता है कि फादी के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? तो जैस का रिप्लाई आप लोग यहाँ पे सुन लो। तो अब बात कर लेते हैं सिकंदर कालू के बारे में। तो सिकंदर कालू की ईपी आ रही है एब्सोल्यूट मोनार्की। तो ईपी में टोटल 5 गाने होंगे, लेकिन ईपी के फर्स्ट है कैश मनी में फीचरिंग है इक्का की। तो ये कंप्लीट ईपी 15 दिसंबर को सिकंदर कालू के चैनल पे आउट हो जाएगी। आदिल सुल्तान का एक प्री रिटर्न फ्री स्टाइल आउट हुआ है डिस बातें, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ जाके चेकआउट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।